मैं जब बीडीसी बनी थी तो कोई गोडी को नहीं जानता था, तो आज हर एक जब भी कोई जवान से कोई आवाज निकलती है गोडी का नाम, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर की बात होगी, तो गोडी का नाम बहुत जानते हैं। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूंगी और आने वाले दिनों में मैं पूरी ब्लॉक गोडी की बात करूंगी, हर एक पंचायत में हर एक मोड़े में मैं रोड पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे लोग मेरे साथ हैं तो मैं तब काम कर पाऊंगी। संत करेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। नमस्कार, मैं बीडीसी चेयरपर्सन आरती शर्मा गोडी ब्लॉक से। आज मैं नालागौड़ा बी पंचायत में आई हूँ। मेरे यहाँ के मेरे लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और आज मैं इनको मुबारकबाद भी दी है। नालागौड़ा बी पंचायत के लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आपके आशीर्वाद से जो आपने मेरे को बोला था बीडीसी के टाइम, जहाँ मैं बोर्ड मांगने आई थी, जो पार वाला मोड़ा है हमारा, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। ये बारी बारी जो हमारी ब्लॉक गोडी के 9 रोड आए हैं और आज कल के जो 2 रोड सेक्शन हुए हैं, जिसमें बखेतर से लेके रियाल, रियाल से लेके हमने नीचे बनाना है उसको, ये पूरा बाई वाला एरिया और बखेतर तक इसको टच करना है। जिस जो जे रोड है नालागौड़ा नवाड़ वाला, इसमें जो हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 2 के लोगों को काफी इसका बेनिफिट होगा। तो मैं यहाँ की जनता को पूरा का पूरा श्रेय जाता कि इनके सहयोग से, इनके साथ से आज जो रोड है सेक्शन हुआ। इसी के साथ साथ मेरी ब्लॉक गोडी की गोडी खास बेस्ट पंचायत, मेरी जो होम पंचायत है, वार्ड नंबर 6 का भी जो है रोड सेक्शन हुआ है, वो मीन रोड कुनाल बाय मराल, हमने उसको छपरामढ़ तक टच करना है। ये मेरे होम पंचायत का रोड है। जब मैं अपने लोगों से कमेंटमेंट किया है, अपने बाढ़ के लोगों से कमेंटमेंट किया, आज मैंने वो उनको पूरा करके दिखाया है और 2 पंचायतों के लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद है। यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे पंच, नायब सरपंच, जैसे पंच हमारे मक्खन जी थे, जिस टाइम मैंने ये पूरा लेटर लिखा था, उन्होंने मैंने उनसे सब जो रब्ता किया था, तो बारी बारी जो है रोड जे पार्टी में देती रही और ये सेक्शन कल के जो 2 रोड हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और खासकर मैं जहाँ के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह गोरों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बदौलत जहाँ से मैं प्रोजेक्ट करती हूँ तो वो वहां तक मेरी आवाज को सुनते हैं। और मेरी ब्लॉक गोडी में एक, मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं जब बीडीसी बनी थी तो कोई गोडी को नहीं जानता था, तो आज हर एक जब भी कोई जवान से कोई आवाज निकलती है गोडी का नाम, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर की बात होगी, तो गोडी का नाम बहुत जानते हैं। तो यहाँ के लोगों को, छोटे से छोटे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी मुबारक देती हूँ कि आप लोग मुझे ये बातें सुनाते हो और मैं गौर से सुनती हूँ और अपनी सरकार तक पहुंचाती हूँ और सरकार इस बात को सुनती है और उसको हल भी करती है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टावर का मसला था नालागौड़ा का, वो भी हल हो गया, जिसके लिए सर्वे की टीम सर्वे करके चले गई है। और मैं यहाँ की जनता को, जहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जो पंच, सरपंच, हमारे सीनियर सिटीजन, मातृशक्ति, सब लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें BSNL का भी सर्वे हो गया और दूसरी कंपनी को 5G हमारा जो टावर यहाँ पे लगने जा रहा है। जल्दी ही ये लोगों को भी एक जो है हौसला इनको मिलने वाला, जब जहाँ नेटवर्क की जो भी कनेक्टिविटी थी वो पूरी होने जा रही है, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो पूरी होके रहेगी, क्योंकि उन मोड़ों में हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। और जो हमारे मोड़े जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूंगी और आने वाले दिनों में मैं पूरी ब्लॉक गोडी की बात करूंगी, हर एक पंचायत में हर एक मोड़े में मैं रोड पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे लोग मेरे साथ हैं तो मैं तब काम कर पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पंचायत नालागौड़ा नायब सरपंच, अज असें कोठी च एक प्रोग्राम रखे जिदे च मन की बात ही, अज ऐतवार हां मन की बात रखी थी, तो साढ़े कन्नै डीसी आरती शर्मा जी आई दी और सारे इतने जिन्हें भी लोग सारे वार्ड नंबर 1 के और वार्ड नंबर 2 के इतने किट्ठे होए थे, वो जिन्हें एक गल सुनाई है कि सारे असं बड़ी बड़ी मुबारक दी कि 2 रोड जड़िया घोड़ी ब्लॉक की आई जो 1 रोड साढ़े नाल घोड़े पंचायत बी की जी एक सैक्शन है वह सहर रियाल बरबेज और यह पीड़ा पीड़ा एरिया जहाँ ये सारा रोड की कमेंटमेंट ही है, और कन्नै कन्नै गै साढ़िया लाइट जीडिया मैं इन्हें असें इतना प्रपोजल भेज रहा हूं, एक लाइटा दसी कि बस स्टैंड जी लाइट लगनी वो भी कन्नै कन्नै अज मतलब लेनी, लेकिन फिर बस वजह कन्नै नहीं आई आई सकी, लेकिन शामी तक लाइट साढ़ी
इत्थे पुज्जी जाग और बस स्टैंड च लाइट जेकी लाई जाग और ज्यादा ज्यादा असेंगी इस चीज बड़ी बड़ी मुबारक है और जेड़ा भी असेंगी मतलब जेड़ा भी कम दसिया सीधा साढ़े लिंक उपर तक करवा दा और साढ़े कम जल्दी कोला जल्दी होने की कोशिश करते। तो इतने बोलते हुए जय हिंद जय।